हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैंने ये जो लेवल्स बनाई है वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा इसको ट्रेड ले लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, देखो ऐसा मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है कि अगर आपको ऐसा मार्केट मिल जाए तो आपको ट्रेड नहीं प्लेस करना है। मैंने अलर्ट भी दिया था, एक बार मैसेज भी किया था कि आज आपको थोड़ा सा केयरफुली ट्रेडिंग करना है। जो भी आपको ट्रेड प्लेस करोगे प्रॉपरली देख के ट्रेड प्लेस करोगे तो ठीक है। चलो एक ट्रेड हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, उसकी वजह देख सकते हो। तो यहाँ तक तो सेलर्स आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से बायर्स की एंट्री हो रही थी। मैंने ये देखो, इसका रिजेक्शन पकड़ के ये लेवल बना दिया था और इसका ये पकड़ के यहाँ पे बना लिया था। ओके, ये देखो यहाँ तक मार्जिन सेफ्टी मिल रही है। ओके, यहाँ तक मिली थी, वापस से आप ऊपर का ट्रेड प्लेस कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है। क्योंकि इस ट्रेड में लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट सडन मोमेंटम दिखा देता है। लेकिन हमारा ये ट्रेड विन हो जाएगा, क्योंकि देखो उसके पीछे मैंने साइकोलॉजी को समझा इसके पूरे। देखो यहाँ तक तो मार्केट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो आप देख सकते हो तो धीरे धीरे बायर्स बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी यहाँ तक रीच किए, इसने हायर हाई बनाया। ओके, यहाँ पे देखो दो कैंडल ग्रीन बनी है, मतलब बायर्स कोशिश कर रहे हैं सेलर्स कंपेयर टू सेलर्स। देखो ये भी ट्रेड अपना विन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी है ना, इसने तो उसके जो सेलर्स लेवल थे उसको बॉडी टू बॉडी ब्रेकआउट भी कर दिया। ओके, बॉडी टू बॉडी ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी बॉडी टू बॉडी ब्रेकआउट कर दिया। उसका प्रेशर था बायर्स का, तो जैसे ही मार्केट नीचे आया हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लेस कर दिया हमने। ओके, तो इसी तरह से देखो कितना भी खराब मार्केट हो, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोगों को कैसा रहता है कि उनको लगता है कि भाई मेरा एक्यूरेसी अच्छी है, मैं ट्रेंडिंग मार्केट में लेता हूँ, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर आपको मार्केट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो आपको सारे मार्केट में ट्रेड प्लेस करना है। तो उसको कैसा करना है, कहाँ पे हमें प्रॉपरली ट्रेड प्लेस करना है, या तो आप मेंटर ढूंढो या फिर आप सेल्फ स्टडी करो। थोड़ा वक्त लगेगा और 6-7 महीने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रॉपरली हर मार्केट में प्रैक्टिस करना सीखो, या फिर कोई तो मेंटर ढूंढो जो आपको प्रॉपरली सिखा सके। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी रिजेक्शन मिला, उसके बाद वापस से बायस की एंट्री हो रही है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे देखो सेलर्स बायर दोनों भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें वेट करके, देखो पेशेंटली आप रुकोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको ट्रेड विन करोगे। थोड़ा सा यहाँ पे इस मार्केट को इस मार्जिनल सेफ्टी के साथ आने देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं नीचे से वापस से मेरे को मार्जिन सेफ्टी मिल रही है, तो मैं वापस से ऊपर का ट्रेड ले लूंगा। देखो यहाँ पे आपको मैं इतना क्यों श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बायर्स बहुत ही पावरफुल आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, भले यहाँ पे मेरे को दिखने में सेलर्स कैंडल दिख रही है, लेकिन मेरा साइकोलॉजी क्या बोलती है कि मेरे को पता है कि ओवरऑल प्रेशर किसका है। तो आपको प्रेशर एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है। प्रेशर एनालिसिस आप नहीं करोगे, सिर्फ कैंडल को देखो, अरे ये नीचे नीचे जा रहा है तो मैं नीचे जा रहा हूँ, अरे ये ऊपर ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। पूरी देखो, मैं बहुत ही श्योर था कि देखो यहाँ पे मैंने जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, जैसे हो रही थी, हायर हाई बना रहा था, यहाँ तक आ रहा था, फिर वापस से देखो यहाँ पे सेलर्स आए, लेकिन एक ही कैंडल आई, वापस से आप देख सकते हो तो बड़ी कैंडल है जिसने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पे उसका प्रेजेंस दिखाने को मिला, तो मुझे पता था कि एटलीस्ट यहाँ पे भी एक रिजेक्शन जरूर मिलेगा। बायर्स उतने क्या बोलते हैं स्ट्रांगली नहीं आ सकते, है ना, बायर्स उतने स्ट्रांगली नहीं आ सकते, तो उसी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड प्लेस किए। तो प्रेशर का एनालिसिस आपको कैसे करना है कि समझना है कि कैंडल्स के फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, भले यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स हो रहे। देखो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो हर मार्केट में आपको ट्रेडिंग आना चाहिए। देखो मेरे को जब भी पर्सनल सेशन में लोग आते हैं तो वो लोग, उनका जैसा टाइम रहता है वैसे वो आ जाते हैं, तो मुझे पता नहीं रहता है कि मार्केट कैसा है। वो उन्होंने कहा कि जस्ट जब आ जाते स्टूडेंट तो वो बोलते कि सर हमें इस टाइम में, मैं फ्री हूँ तो आप मेरा सेशन ले लो, तो मुझे लाइव मार्केट में जाना। तो मैं उनको रीजन नहीं दे सकता कि आज का मार्केट खराब है या फिर कैंडल्स जो फॉर्मेशन हो रहे हैं वो ऐसा फॉर्मेशन, मतलब गलत फॉर्मेशन हो रहे हैं, मतलब गलत नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा स्टक फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो फॉर्मेशन हो रहे, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं प्लेस कर रहे। मेरे को हर वक्त जब भी मेरे को उनको वक्त मिलता है तो जो भी मार्केट रहता है उसमें मुझे उनको ट्रेड लेके बताना होता है कि यहाँ पे आपका ट्रेड क्यों विन हो सकता है, या फिर यहाँ पे हमें क्यों ट्रेड प्लेस करना है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में हमें रीजंस एक्सक्यूजेस नहीं देने। जो भी मार्केट हो उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, भले वक्त लगेगा सीखने में, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो क्यों हो रही है फॉर्मेशन, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्रेशर एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप हमारा पर्सनल सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी और मेंटर को ढूंढो जो कि एक आपको प्रॉपरली सिखाए, क्योंकि कभी कभी हम खुद से सीखने जाते हैं लेकिन नहीं हो पाता है।
कभी कभी गलतियां कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम मेंटर लेंगे, मेंटर से आप सीखोगे तो वो लाइफ टाइम रहेगा आपका, राइट। उसके बाद अगर आप खुद से भी सीखने हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप भी खुद से सीख सकते हो। वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ भी करूंगा, मैं इसको सीखूंगा, इसको समझूंगा। उसके लिए उसको टाइम देना पड़ता है। इसको पार्ट टाइम आप देखोगे कि नहीं, मेरे को जब थोड़ा बहुत वक्त मिलेगा तो मैं इसको टाइम देगा, तो वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं करेगा, करवा के देगा, वो आपको थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट करवा के देगा। फिर वो थोड़े बहुत में आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई मेरे को इतना ही प्रॉफिट मिला है, तो इट्स ओके, आई एम हैप्पी। तो जितना टाइम आप उसको दोगे उतना वो आपको कमा के देगा, लेकिन उसको अंडरस्टैंड भी करना होता है। जिस तरह से देखो, मैंने यहाँ पे इतना क्रिटिकल मार्केट होने के बावजूद भी रिजेक्शन पे ट्रेड प्लेस किए, तो आप पिछले भी वीडियोस आप देखो कैसे मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, कैसे प्रेशर एनालाइज करता हूँ, कैंडल की साइकोलॉजी कैसे समझता हूँ, फिर जाके कैसे ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओके, ठीक है, चलो, आज का तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। और जो नए बंदे हैं तो वो जाते थे, प्लीज एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया करो, कि बहुत सारे मेरे को ऐसा, मैं एनालिटिक जब देखता हूँ तो बहुत सारे लोग देख के चले जाते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, तो क्या करो ताकि आपको हमेशा मेरी ऐसी वीडियो अपडेटेड, मतलब जो भी मैं अपडेट करता हूँ वो आपको देखने को मिले। तो ठीक है, जो पुराने वो एटलीस्ट लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना, जहां पे मैं वीडियोस भी अभी डालना शुरू कर रहा हूँ, और सेकेंडली मैं फ्री सेशन भी लेता हूँ, तो आप फ्री ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्यूरीज रहेगी तो आपको टेलीग्राम की आईडी भी दी है, तो टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, हम लोग कॉल पे बात कर सकते हैं और वहां पे आप अपनी क्यूरीज बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्यूरीज सॉर्ट आउट करूं। ठीक है दोस्तों, यही पे हम लोग रुक जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।